ये सच है कि लोकतंत्र की हत्या इस सरकार में हो रही है। लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करने का काम राज्य की सरकार लगातार कर रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकतंत्र के मंदिर के रखवाले विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष से उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से इतने महीने 26 महीने हो जाने के बाद भी जो लोकतंत्र के जो अधिकार अधिकृत जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और स्पीकर महोदय का दोनों के मन में कुछ ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लोकतंत्र के प्रति अच्छी बातें नहीं चल रही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इन विपक्ष के नेता के न रहने के कारण कई लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था नहीं बन गठन नहीं हो पा रहा है। उसी में RTI सूचना आयुक्त का गठन नहीं हो पा रहा है, उसके साथ साथ जो अन्य लोकायुक्त का पद है जहां पर भ्रष्टाचार के मामले आते उस मामले को देखने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से इस विपक्ष के नेता के अभाव में नहीं हो पा रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को लोकतंत्र से मतलब नहीं है और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप न्याय दीजिए, न्याय देने में विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कल महामहिम से मिलने का भी काम किया हूं और आज मैं इस तरह अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिलने की देखिए हाई कोर्ट के निर्णय की ओर मैं ले जाना चाहता हूँ कि इस केस में 100 मोटो लिया गया था, इससे इंटेंशन पता चलता है। लॉ में एक शब्द है इंटेंशन, और इंटेंशन ये था इस सरकार का कि 100 मोटो इसे संज्ञान लिया गया, जिसे हाई कोर्ट ने इसे खारिज करने का काम किया। उतना ही नहीं, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग ने बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी के मतदाता के रूप में राज्यसभा का सदस्य चुनाव में उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। पिछले सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पिछले सत्र में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिसने भी आपको ये बातें कही हैं उनको आप भी इस प्रकार की बातें को समझाने का प्रयास करें। जो तर्क सम्मत है वही बात मैं लगातार कह रहा हूँ। लेकिन इन सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता पूर्वक सूक्ष्म रूप से विचार कर रही है। सरकार को इन चीज़ों को लाना है, सरकार इन चीज़ों को लाए, जल्द से जल्द लाए, सामाजिक समरसता का वो ध्यान रखे।